दोस्तों, आज की वीडियो इन दो पंक्तियों से शुरू करते हैं। आगे बढ़ते रहने के लिए यही सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना अभी बाकी है। दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए प्रदेश के 35 सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों पर ऑक्सिलरी नर्सेस एंड मिडवाइफ्स के 2 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मई से प्रारंभ है। आशा व संगिनी के लिए 20% सीटें आरक्षित की गई हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का AGB इंडिया में, जहाँ पर आप पाते हैं अपने काम की बातें व जानकारियाँ नवीन अपडेट के साथ व विश्वसनीयता के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे इसके लिए शेयर जरूर करें। दोस्तों, 13 मई को महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश ने निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग विज्ञापन प्रभाग उत्तर प्रदेश को सहायक नर्सेस एंड मिडवाइफ प्रशिक्षण वर्ष 2022 हेतु महिला अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पत्र आमंत्रित किए जाने के संबंध में पत्र जारी किया है। 35 गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर पर 1,750 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश 2022 के अनुपालन में ANM प्रशिक्षण वर्ष 2022 के लिए चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 25 मई 2022 से 25 जून 2022 तक आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट से लिए जाएंगे। शैक्षिक अर्हताएं इस प्रकार हैं: इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो, जनरल OBC तथा EWS के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 45% होना अनिवार्य है तथा SC व ST के लिए कम से कम 40% होना अनिवार्य है। आयु सीमा: आयु की गणना 31 दिसंबर 2021 को 70 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को शासनादेशानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आरक्षण: 80% सीटें ऐसी महिला आवर्तियों से आरक्षित होंगी जो निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती हों। 20% सीटें ऐसे इच्छुक आशा कार्यकर्ती या आशा संगिनियों जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष आशा अथवा संगिनी के रूप में NHM के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में नियमित रूप से संतोषजनक कार्य किया हो के लिए आरक्षित होगी। आशा अथवा संगिनी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों पर सीधी भर्ती के श्रेणीवार पात्र अभ्यर्थियों से चयन किया जाएगा। अन्य सभी आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश में निहित प्राविधानों शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी। चयन: हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के अनुसार मेरिट बनाकर इसी अनुसार चयन किया जाएगा। आवेदन शुल्क: सामान्य वर्ग ₹200, OBC SC ST वर्ग ₹100 निर्धारित है। दोस्तों, घर में डेथ हो जाने व स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इस बीच चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए खेद है। अब सुचारू रूप से आप सभी के बीच आने की पूरी कोशिश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।